अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये हार्ट शेप पैच डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। इसे मैंने बनाया है गुलेरा चैनलेट 6-ply कॉटन यान से। ये यान मुझे प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स वालों ने सेंड किया था। इसका फुल रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसे आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में बताई है, तो वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और ये थ्रेड की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर आप चेक ज़रूर करना। उसके अलावा आप इस तरह के थ्रेड अमेज़ॉन वगैरह से भी परचेज कर सकते हैं। ये पैच डिज़ाइन की रिक्वेस्ट मुझे आई थी, किसी लेडी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि इस तरह का पैच डिज़ाइन शेयर कर दे, सो इसीलिए मैं ये डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल होगी तो मेक श्योर आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है। सो देखते हैं, इसे बनाने के लिए मैंने नीडल ली है 0 नंबर 1.75 mm की। सबसे पहले हम फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट ले लेंगे। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और नीडल की निप अपनी तरफ आपको इस तरीके से रखकर राउंड लेकर स्लिप नट लेना है। स्लिप नट लेने के बाद यहाँ पर लॉक कर लें। अब हम लेंगे 4 चैन, 1, 2, 3 and 4। 4 चैन लेने के बाद फर्स्ट चैन के गैप में हम अटैच करेंगे और राउंड बना लेंगे। दोनों धागों में से बाहर आ जाना है। अब हम लेंगे 3 चैन, 1, 2, 3। 3 चैन लेने के बाद जो फर्स्ट गैप है, जो हमने 4 चैन ली है उसमें जो फर्स्ट गैप है उसमें हम डबल क्रोचेट लेंगे। सेम उसी गैप में हम फिर से एक बार डबल क्रोचेट लेंगे। तो एक गैप में हमने टोटल 2 टाइम्स डबल क्रोचेट लिया, और जो ये 3 चैन हमने ली है वो भी एज अ डबल क्रोचेट काम करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम्स डबल क्रोचेट बन गए। अब हमें चैन लेनी है 1, 2। अब फिर से हम नेक्स्ट गैप में 3 टाइम्स डबल क्रोचेट लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, फर्स्ट गैप में भी हमें 3 टाइम्स डबल क्रोचेट चाहिए, लेकिन 2 डबल क्रोचेट लेने के बाद जो हमने स्टार्ट में 3 चैन ली थी वो भी एज अ डबल क्रोचेट ही काम करेगी, इसलिए हमने फर्स्ट गैप में 2 बार डबल क्रोचेट लिया। अब सेकेंड गैप में हमने 3 टाइम्स डबल क्रोचेट लिया, दोनों के बीच में हमने 2 चैन का गैप रखा है। अब फिर से हम 2 चैन ले लेंगे और थर्ड गैप में सेम इसी तरीके से 3 टाइम्स डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1, 2 and 3। सेम गैप में 3 टाइम्स डबल क्रोचेट, ये 3 टाइम्स कंप्लीट हो गया। एंड लास्ट 2 चैन एंड नेक्स्ट एंड लास्ट गैप में 3 टाइम्स डबल क्रोचेट। अब ये लास्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब फिर से हम 2 चैन लेंगे और जो स्टार्ट में हमने 3 चैन ली थी, 1, 2 and 3, उसके 3rd चैन के गैप में हम अटैच कर लेंगे और ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आपको बना लेना है। अगर आप ये हार्ट शेप क्लरिंग बनाना चाहते हैं पैच, तो यहाँ से आप क्लर चेंज कर सकते हैं। अब सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हमें यहाँ पर आपको 2 डबल क्रोचेट दिख रहे हैं, इसमें हमें स्लिप स्टिच डालनी है। इस तरीके से नीडल डालें और धागा लेते हुए बाहर आए, और जो फर्स्ट धागा है नीडल में उसमें से भी आपको बाहर आ जाना है। एक बार फिर से देखें, नीडल डालें, धागा लेते हुए बाहर आए और इस धागे में से भी बाहर आ जाना है। अब हम इस गैप पर पहुंच गए। इसका मकसद ये है कि हमें जो हमारा फर्स्ट गैप है यहाँ पर उसमें पहुँचना है। अब हम लेंगे 3 चैन एंड इस गैप में, ये जो 2 चैन का हमारे पास गैप है, इस गैप में हम बनाएंगे उसके फर्स्ट चैन पर 1 टाइम डबल क्रोचेट, सेम गैप में फिर से डबल क्रोचेट, तो ये हमारे 3 डबल क्रोचेट हो गए।
अब फिर से हम लेंगे चैन, 2 चैन लेना है हमें, और नेक्स्ट गैप में फिर से 3 टाइम्स डबल क्रोचेट बना लेना है, 1, सेम गैप में 2 एंड लास्ट 3, सेम गैप में हमें 3 टाइम्स डबल क्रोचेट बना लेना है। ये देखें, अब यहाँ पर आपको नीचे जो 2 डबल क्रोचेट दिख रहे, सॉरी ये जो 3 डबल क्रोचेट दिख रहे, यहाँ पर हमें सिर्फ चैन लेकर आगे बढ़ना है और सेम डिज़ाइन हमें फिर से कॉर्नर पर फॉलो करना है। तो यहाँ पर हम 1 चैन लेकर आगे बढ़ेंगे, डायरेक्टली ये जो नेक्स्ट 2 चैन का गैप है उसके फर्स्ट चैन के गैप में 3 टाइम्स डबल क्रोचेट बना लेंगे, 1, 2 एंड 3। फिर हम लेंगे 2 चैन एंड सेकेंड जो चैन का गैप है उसमें हम फिर से 3 टाइम्स डबल क्रोचेट बना लेंगे। ये देखें, अब फिर से आगे बढ़ने के लिए सेम 1 चैन लेकर आगे बढ़ेंगे और गैप पर आ जाएंगे। यहाँ पर 2 चैन का गैप है, फर्स्ट गैप में 3 टाइम्स डबल क्रोचेट, देन 2 चैन, 1, 2, 3, देन 2 चैन एंड नेक्स्ट गैप में 3 टाइम्स डबल क्रोचेट। फिर हम लेंगे 1 चैन और लास्ट वाले कॉर्नर पर भी सेम इसी तरीके से हम बना लेंगे। ये देखें, इस तरीके से बनाने के बाद हमारे चारों कॉर्नर्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब फिर से हम 1 चैन लेंगे और अटैच कर लेंगे, जैसे हमने हर तरफ लिया है 1 1 चैन, वैसे 1 चैन ले लेंगे और जो स्टार्ट में हमने 3 चैन ली थी आगे बढ़ने के लिए उसके 3rd चैन के गैप में अटैच कर लेंगे। अब ये हमारा यहाँ पर 2nd राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब ये 2nd राउंड कंप्लीट होने के बाद मेन जो हमें हार्ट का शेप देना है वो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो इसके लिए हमें पहले ये जो 2 डबल क्रोचेट दिख रहे हैं इसमें हमें स्लिप स्टिच ले लेनी है 2 टाइम्स। 1 टाइम हमने स्लिप स्टिच ले ली जैसे हमने 1st राउंड में भी आपको बताया था, और इसी तरीके से हम 3 टाइम्स यहाँ पर स्लिप स्टिच ले लेंगे एंड अब हमें डायरेक्टली डबल क्रोचेट लेते जाना है। तो डबल क्रोचेट हमें कहाँ लेना है, ये जो आपको 2 कॉर्नर्स दिख रहे हैं इन दोनों कॉर्नर्स के बीच में जो 1 चैन का गैप है इसमें हमें डबल क्रोचेट लेते जाना है। इस गैप में हम डबल क्रोचेट लेंगे, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच ले ली, अब हमें 2 टाइम्स नीडल पर धागा फोल्ड करना है, गैप में जाना है और हम 2 धागों में से बाहर आएंगे, फिर 2 धागों में से बाहर आएंगे और फिर 2 धागों में से बाहर आ जाएंगे। इसी तरीके से हम ट्रिपल क्रोचेट स्टिच बनाते जाएंगे। ये 4 टाइम्स और ऐसे आपको थोड़ा स्पेस करते हुए इसे बनाते जाना है। बहुत ही सिंपल और इजी सा ये पैच डिज़ाइन है। इस तरह के आप 4 पैच बना लो और चारों पैच को जॉइंट करके आप अपने डाइनिंग टेबल पर भी आप रख सकते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो आप इस तरीके से फॉलो करें और होम डेकोरेशन वगैरह के लिए इस तरह के पैच यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल 12 टाइम्स ट्रिपल क्रोचेट स्टिच बनानी है। स्पेस करते जाए और बनाते जाए, ये थोड़ा सा राउंड होता जाएगा लेकिन ध्यान रहे थोड़ा सा आप अपने हाथों से इसे सेट करते रहें। और अगर आप कॉटन थ्रेड से बनाओगे तो इसकी फिनिशिंग बिल्कुल सेम बनेगी, लेकिन अगर आप सिल्क थ्रेड या कोई और थ्रेड लेते हैं
तो हो सकता है कि इसके फिनिशिंग इस तरीके की ना बने। तो इस तरह के होम डेकोर के लिए अगर आप कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कोई चीज़ें बना रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखते हुए थ्रेड लेने हैं। कॉटन थ्रेड से भी आप बना सकते हैं, ये भी एक कॉटन थ्रेड ही है, लेकिन कॉटन थ्रेड में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो उसमें ही ये है गुलेरा चैनलेट 6-ply कॉटन यार्न। इस तरीके के थ्रेड्स ही होम डेकोर के लिए अगर आप कुछ अलग चीज़ें बनाना चाहते हैं तो इस तरह के थ्रेड लें। अदरवाइज़ आपको जो सिल्क थ्रेड से जो बनाना है तो उसके लिए आप दुपट्टे की लेस है, रुमाल की लेस वगैरह बना सकते हैं। अब आपको ये जो कॉर्नर दिख रहा है जहाँ पर हमने 3 triple crochet और सॉरी 3 double crochet और 2 chain और फिर से 3 double crochet लिया था, उसके गैप में हमने अटैच कर लिया। अब आपको फिर से यहाँ पर ये 1 chain वाला गैप दिखेगा। तो इस 1 chain वाले गैप में सेम आपको इसी तरीके से 12 times triple crochet बना लेने हैं और आपका ये हार्ट शेप बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 1 side तो आपकी बिल्कुल रेडी हो गई है। अच्छा, और अगर आपके हाथ अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट रखते हैं और ये शेप इस तरीके का आपका नहीं बनता है या बहुत खींचा हुआ लगता है, तब आपको इसे प्रेस करना है। इस्त्री की हेल्प से आप इसे प्रेस करके सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर भी 12 times triple crochet बना लिए हैं। अब जो आपको नेक्स्ट गैप दिखेगा उसमें आपको सिंपली अटैच कर लेना है। एंड देन मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप लॉक करो तो 2 chain एक्स्ट्रा लेकर धागा कट करना, क्योंकि जब आप लॉक करोगे और कभी वो खुल जाए तो आपका पूरा पैच खुल जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से लॉक करने पर क्या होता है कि वो खुलता नहीं है। अब आपको यहाँ पर टाइट कर लेना है एंड देन बैक साइड में आप ये धागा ले लो और नीडल की हेल्प से अंदर की तरफ इसे अटैच कर लो। तो ये समझेगा भी नहीं कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पर एंड किया है। और इस तरीके से आप 3-4 patch बनाकर साथ में जॉइन करते हुए इसको बहुत सारी चीज़ों में आप इस पैच को यूज़ कर सकते हैं। और जिनकी रिक्वेस्ट आई थी तो उनसे मैं कहूँगी कि सॉरी भी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उनकी रिक्वेस्ट आए हुए, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और उसके बाद में ये हुआ कि जब मैंने इसकी शूटिंग की तो उसकी वॉइस क्लियर नहीं आई थी, उसमें माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, फिर माइक लेते लेते बहुत टाइम हो गया, तो इसलिए इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, आप लोगों के समझ में आई है। सो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय गाइज़।